हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे मैट्रिक से कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट ए 3x3 मैट्रिक्स। स्टेटमेंट में समझा देता हूँ आपको, इसका मतलब क्या है 3x3 का मतलब। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, तीन ही रो हैं और कॉलम भी कितनी है, तीन है। ठीक है दोस्तों, 3x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, उसके एलिमेंट इस तरह से है, फाइंड a21 a11 a23, ऐसे पूछ लिया जाएगा आपसे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं ये क्या चीज़ है। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी मान लीजिए एक 3x3 की मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। अगर मैं आपसे पूछूं इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है तो कैसे देखेंगे। हाँ जी, सेकंड रो, पहले रो आती है, सेकंड रो और फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड कॉलम। तो इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, a23। अगर मैं इसकी पूछूं फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, इसकी ऐसे ही a3 थर्ड रो और सेकंड कॉलम, इसकी सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स एक लार्ज यानी कि नंबर ऑफ रोज बहुत ज़्यादा हो और नंबर ऑफ कॉलम भी बहुत ज़्यादा हो, तो इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, aij, जिसमें i रिप्रेजेंट करता है मेरा रो को और j रिप्रेजेंट करता है मेरा कॉलम को। ठीक है दोस्तों, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे पहले मैं a21 निकाल के देखते हैं, a21 सिंपली आपको करना क्या है, इस फार्मूले में आई की जगह क्या पुट कर दो, टू पुट कर दो और जे की जगह क्या पुट कर दो, वन पुट कर दो। हाँ जी कीजिए, एक आई की जगह टू और जे की जगह वन, इसका स्केयर यानी कि थ्री का स्केयर क्या होता है, नाइन। यानी कि इस एलिमेंट, ये मैट्रिक्स है जो कोई, इस मैट्रिक्स को ए नाम ले लेते हैं हमें, इसका a21 कहाँ होगा, ये फर्स्ट होगा, एक दो तीन नो एलिमेंट होंगे 3x3। ठीक है दोस्तों, a21 कहाँ आएगा, a21 यहाँ आएगा, यानी कि ये क्या है, नाइन है इसका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद a11 देखते हैं, a11 सिंपली i की जगह 1 पुट करो, j की जगह 1 पुट करो, 2 का स्केयर 4, a11 ये क्या आएगा, 4। ऐसे ही आप a23 भी निकाल सकते हो, i की जगह 2 पुट करो, j की जगह 3 पुट करो, ये 5 का स्केयर आ गया, ये क्या आ गया, 25। a23 कहाँ है, यहाँ पे है। तो इस तरह से आप इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक 2x2 की मैट्रिक्स है, एक 2x2 की मैट्रिक्स हम बना लेते हैं, यहाँ पे ए कोई है, उसमें एक यहाँ आएगा एलिमेंट, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका ऑर्डर क्या है, 2x2। मुझे फाइंड आउट करना है a11। हाँ जी, यहाँ पे क्या पुट कर दो, a11, i की जगह भी 1 और j की भी जगह भी 1, माइनस के 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1 बाय 2 और इसका मॉडुलस। ठीक है दोस्तों, मॉडुलस क्या होता है, किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी का, अगर मान लो मैं -4 लिखूँ, इसका मॉडुलस है, उसका वो प्लस बना देता है, मॉडुलस यही होता है बस। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, ये क्या आएगा ऊपर, -3 प्लस 1 का मॉडुलस बाय 2, ये क्या देगा, -2 का मॉडुलस बाय 2 और -2 का मॉडुलस, मॉडुलस किसी भी चीज़ को क्या बना देता है, प्लस बना देता है, 2/2 यानी कि 1। ठीक है दोस्तों, a11 यानी कि ये वाला एलिमेंट क्या आ गया इसका, 1। ऐसे ही आप इस मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट निकाल सकते हैं। a31 निकाल के दिखा देता हूँ मैं, माइनस के 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 बाय 2, माइनस के 9 प्लस 1 बाय 2, ये -8 आ जाएगा और इसको प्लस कर देगा बाय 2 तो 4, a31। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस मैट्रिक्स में a31 है कहीं, नहीं, क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 2x2 था, इसमें दो रो और दो कॉलम थी, 3-1 तो यहाँ पे आता और ये मैट्रिक्स क्या है, 2x2 ऑर्डर की है, यानी कि ये एलिमेंट इस मैट्रिक्स में नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रहना चाहिए भी, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है और ये एलिमेंट इस मैट्रिक्स में नहीं आ सकता। 2-1 यहाँ पे आएगा, फाइंड आउट कर लो, आई की जगह 2 पुट करो और जे की जगह 1 पुट करके निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ आएगा।
आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये दो मैट्रिक्स हैं, एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है, ठीक है दोस्तों, और फाइंड करना मुझे एक्स वाई जेड। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे बीच में क्या है, इक्वल का साइन है। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं? दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकती हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अब ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इसके बराबर है। इसके बराबर क्यों है? क्योंकि क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर भी क्या है, 2x2 है। दो रो हैं और दो ही कॉलम है। इसका ऑर्डर भी क्या है, 2x2 है। ये इसलिए इक्वल है। अगर मान लीजिए मैं ये एक ये मैट्रिक्स लिखूं और एक ये मैट्रिक्स लिखूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल लिख सकता हूँ इनको। इसका ऑर्डर क्या है, 2x2। इसका ऑर्डर क्या है, 2x3। इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल नहीं है। दो मैट्रिक्स तब इक्वल हो सकती है जब दोनों का क्या हो, ऑर्डर सेम हो। अब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब जैसे इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट, इस ये एलिमेंट कौन सा है, A11। ये मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट इस मैट्रिक्स के इसी एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। A11 इसका A11 क्या है, x है, और इसका A11 क्या है, 3 है। आप इसको इसके बराबर नहीं रख सकते। इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट किसके बराबर होगा, इस एलिमेंट के बराबर, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, 4 और 3y-w = 7, ठीक है दोस्तों। यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, 3 * 9 - y = 2 - y = -7, y की वैल्यू क्या आ गई, 7। उसके बाद x की वैल्यू यहाँ रख दो, 3 × 6 = 4 - 6, जेड की वैल्यू क्या आ गई, -2, ठीक है दोस्तों। उसके बाद y की वैल्यू क्या आई थी, 7 आई थी, -k w और 7 - k 21, ठीक है दोस्तों। ये क्या गया, -k 14, और w की वैल्यू क्या आ गई, 14। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, z की वैल्यू -2 और w की वैल्यू 14। इस तरह से आप x, y, z की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं सेम। इस क्वेश्चन में भी क्या है, पहले मैं देख, ये दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल हैं। उसके बाद मैं चेक करूँगा इनका ऑर्डर सेम है। हाँ जी, इनका ऑर्डर क्या है, सेम है। तो यानी कि इक्वल हैं दोनों, इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। इसका एलिमेंट x + 3 इस मैट्रिक्स के किस एलिमेंट के बराबर होगा, 0 के बराबर। ये इसके बराबर, -7। ऐसे ही ये इसके बराबर और ये 2u के बराबर, ठीक है दोस्तों। सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। यहाँ पे -3 रखेंगे, 2y - 7 + 3, 2y - 4, y क्या आ गया, -2, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ गई, z क्या आ गया मेरा, 4, ठीक है दोस्तों। यहाँ से u की वैल्यू निकाल लो, 4u, ये इधर क्या हो जाएगा, -2u = 6। इसमें से ये u गया, 2u = 6, तो u की वैल्यू क्या आ गई, 3, ठीक है दोस्तों। ये y की वैल्यू आई, ये z की वैल्यू आई और ये x की वैल्यू आई, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन, किसी भी मैट्रिक्स को इक्वल रख के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझा। थैंक यू वेरी मच।